हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार सभी भारतवासियों को। और आज एक बहुत ही सीरियस और संजीदा टॉपिक है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, जगजीत सिंह जी की गज़ल है ये। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है तुम जो छुपा रहे हो, क्या गम है तुम जो छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। यस, बाहर से मुस्कुराते हैं और अंदर अंदर दुख का पहाड़ अपने अंदर रख कर चलते हैं, यानी डिप्रेशन। डिप्रेशन पे मैंने पहले भी एक टॉपिक बनाया था, एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिप्रेशन के सिम्टम्स बताए थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि सर डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें, ये भी तो बताइए। और कुछ बच्चे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने भी मेरे से पूछा कि सर कोई मोटिवेशनल वीडियो बनाइए कि हम कैसे आगे बढ़ें, मेडिकल की तैयारी कैसे करें। तो चलो, और मैं बताऊँगा। और क्या मेडिसिन आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं? क्या डिप्रेशन की दवाइयाँ आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं? यस, बदल सकती हैं। तो जीता जाता है, सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने खड़ा है डॉक्टर नमित कारा। आज फिर मैं अपनी कहानी बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरी कहानी में इतने अप्स एंड डाउन है, हर बहुत सारे लोगों की लाइफ में होता है, लेकिन मैं निकला कैसे, शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। डॉक्टर भी था, पेशेंट भी था, तो बताना आसान है मेरे लिए। एक पहले वीडियो मैंने बनाया था, मेरी कहानी मेरी जुबानी, उसमें मैंने बताया था कि मेरे साथ एक हादसा हुआ था मेडिकल कॉलेज में 1996 में। अगर आप उसको देख लें प्लीज़ दोबारा, मैं अभी तो नहीं बताऊंगा वो क्या हादसा था, लेकिन वो एक ऐसा हादसा था जिसमें से बाहर मैं निकल ही नहीं पाया। शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, 10 साल तक सिर्फ एक ही सपना हर रोज़, जिसको नाइटमेयर बोलते हैं, इतने ख़राब सपने आते थे, वो भी हर रोज़ मेडिकल कॉलेज का सपना, मेरे अपने कॉलेज का। कभी लगता था ट्रेन चली गई, मैं रह गया क्लास में, मैं अकेले बैठा हूँ, एग्ज़ाम हो गया, मैं रह गया, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। कुछ ऐसे सपने आते थे, लेकिन हर रोज़ लखनऊ मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। कोई विश्वास नहीं करेगा कि 10 साल तक किसी को एक ही सपना कैसे आ सकता है हर रोज़ एक ही जगह का, लेकिन ऐसा होता था मेरे साथ। मैं पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था, यानी एक ऐसा हादसा आपकी लाइफ में होता है कि जिसमें से आप निकल ही नहीं पाते। वो हादसा फाइनेंशियली हो सकता है, कोई सडन फाइनेंशियल लॉस हो गया, अचानक जो हादसे होते हैं जिनकी आप कभी उम्मीद नहीं करते, कोई एक्सीडेंट हो गया, या आपका कोई आपको छोड़ के चला गया। वो आपका भाई भी हो सकता है, आपकी माँ बाप, कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, या कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, कुछ भी हो गया और आप उसमें से निकल नहीं पाते। यही मेरे साथ हुआ दोस्तों। निकल पाना बहुत मुश्किल था, और क्योंकि डॉक्टर था तो हमारी मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती थी, उसके बाद कॉकटेल पार्टियाँ होती थी, तो मैं महीने में एक दो बार जाता था। तो मैंने नोट किया कि यार मैं जब जब ये ड्रिंक थोड़ी सी करता था, लेकिन मुझे लगता था कि यार जब जब मैं ये करता हूँ तो मेरे आने वाले कुछ दिन बहुत ख़राब हो जाते थे। मैं खड़ा नहीं हो पाता था, मेरे में एनर्जी नहीं होती थी, और क्लिनिक पे भी मन करता था कोई पेशेंट ना आए, कोई ना आए मेरे साथ। मतलब सोचो कि एक डॉक्टर ये प्रे करता कि पेशेंट ही ना आए, क्यों? मेरे अंदर जान ही नहीं होती थी, मुझे लगता था किसी ने मुझे निचोड़ के रख दिया। और मुझे एक प्रॉब्लम और थी, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, यानी ये बचपन से है, अभी भी है, लेकिन हाँ लगे मैंने इस पर बहुत हद तक काबू पा लिया है कि जब मैं बहुत देर तक खड़ा रहता था तो मेरा बीपी डाउन हो जाता था, तो मुझे चक्कर आने लगते थे। इसलिए कई बार मैं सर्जरी डिपार्टमेंट में जाता भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन में 2-2, 3-3 घंटे देखना पड़ता था खड़े होकर। क्या बताऊँ कितनी प्रॉब्लम थी, लेकिन हार नहीं मानी, सोचा नहीं नवनीत कुछ तो कर, डॉक्टर आया तू यार। मेडिसिन ट्राई करता था तो मेडिसिन सूट नहीं करती थी, सारी मेडिसिन ट्राई करी, अपने जो मेरे दोस्त थे साइकेट्रिस्ट उनसे भी पूछा मैंने, लेकिन क्या बताऊँ, जो भी मेडिसिन खाता था अगले दिन मैं उठ नहीं पाता था, ऐसा लगता था बस बीपी डाउन और मैं खड़ा नहीं हो पाता था। और जब आप सब कुछ करते हैं, ये भी करके देख लो, वो भी करके देख लो, तो मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया, तो उन्होंने बोला यार आपके ऊपर शनि का लफड़ा है, आप ये नीलम पहन लो। आज भी पहना हुआ है मैंने, उतारा नहीं है, कह सकते हो ये मेरी कमजोरी है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन हो गया हूँ लेकिन अभी भी इसको उतार नहीं पाता हूँ, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आप उसको माने या ना माने। धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ इन सब चीज़ों में से, जॉब नहीं मिलता था, ईमानदार था, सीधा था, जिस भी हॉस्पिटल में जाता था मुझे भगा दिया जाता था, ईमानदारों का कोई ज़्यादा वो है नहीं,
धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हुआ और कुछ मेडिसिन सूट करने लग गई। जब मैं थोड़ा सा सोचने वाली हालत में आया और आज से 2 साल पहले काफ़ी हद तक मैं ठीक हो चुका था, नॉर्मल हो चुका था, लेकिन मुझे ये लगता था कि यार कब तक मैं इन दवाइयों के सहारे रहूँ, कब तक ये सब चलता रहेगा, 2 दिन ठीक होता हूँ, 2 दिन नहीं होता हूँ। तो मैंने कहा यार कुछ तो ऐसा कर कि लाइफ में कुछ नया कर, अपने दिमाग को कुछ डाइवर्ट कर, किसी अच्छे जगह की तरफ लगाओ। तो मैं बना यूट्यूबर। हालांकि उसमें भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। मैं मोटिवेशनल स्पीकर से स्टार्ट किया था, फिर जो मेरे शौक़ थे मैंने सारे पूरे किए, लेकिन कोई देखता नहीं था, व्यूवरशिप बिल्कुल भी नहीं थी। और मेरे पेशेंट को भी लगा कि ये डॉक्टर तो शायद अब डॉक्टर नहीं रहा, ये तो गया छोड़ के। तो मुझे मेडिकल एजुकेशनल वीडियोज़ बनाने पड़े ये बताने के लिए, हाँ भाई मैं डॉक्टर ही हूँ। तो फिर वो पेशेंट वापस आए और फिर अचानक कुछ वीडियो वायरल हो गए, और जब वायरल हुए वीडियो मुझे और लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मोटिवेशन मिला, तो मैं और उसमें और उतर गया। और अब तो भूल चुका हूँ सब चीज़ों को, लेकिन मेरा बताने का मकसद एक था कि मेडिसिन क्या आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ यस आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं, लेकिन जब आप नॉर्मल हो जाओ मेडिसिन के साथ, तो आप धीरे धीरे मेडिसिन पूछ के बंद करके फिर कुछ ऐसा साथ साथ करना शुरू कर दो। खाली दवाइयों के भरोसे मत रहो, कुछ तो आपको करना पड़ेगा, कुछ तो आपको करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो, कुछ भी पॉजिटिव। अपनी एनर्जी को कैसे आपको चैनलाइज करना है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी दिमाग ने भगवान ने दी है ना सोचने की, उसको कहीं लगा के रखो। खाली बैठोगे तो प्रॉब्लम होंगी, और अगर कुछ ऐसी जगह लगाओ जहाँ से आपकी इनकम भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो, लेकिन अगर इनकम ना भी आए तो अपने आप को बिजी तो रखो, कुछ ऐसा काम जरूर करो। और अब तो मुझे देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ एक डॉक्टर होके, अब लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता मैं डॉक्टर हूँ। और क्या बोलूँ, लाइफ ही कुछ ऐसी है कि मैं अपनी स्टोरी इसलिए बताना चाहता था उन स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को, जो मेरे से पूछते हैं सर कोई मोटिवेशनल वीडियो बनाओ, हम तैयारी कर रहे हैं। बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको दोस्तों, कि मेरा भी पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है, और मेरे घर में भी आज कुछ बच्चे ऐसे हैं मेरी फैमिली में, मेरे रिश्तेदारों के यहाँ, जिनका पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो बड़े निराश हो जाते हैं। तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि देखो अगर पहली बार नहीं हुआ ना, तो भगवान ने आपके लिए कुछ और बेटर सोच के रखा हुआ है, क्योंकि अगर शायद पहली बार होता तो मुझे कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज ना मिलता है ना, लेकिन मुझे जब दूसरी बार मैंने तैयारी करी तो मुझे बेस्ट कॉलेज मिला, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जिसके लोग सपना देखते हैं। तो मैं उनसे ये बोलूँगा कि भाई देखो ये सोच के मत पढ़ो कि मुझे इसी साल सेलेक्ट होना है, अगर नहीं होगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब मत सोचो। हाँ अपना 100% दो, पूरा तन मन धन लगा दो उसके अंदर, जैसे भी आप कर सकते हो। और ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए, जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं सब में लगो, लेकिन ये टारगेट मत सेट करो कि यार पहली बार में होना है मेरा, नहीं होगा तो क्या होगा। और उन माँ बाप को भी बोलूँगा भाई अगर नहीं होता पहली बार तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, दूसरी बार हो जाएगा, तीसरी बार हो जाएगा, होगा ज़रूर, अगर आपने सोच लिया तो होगा ज़रूर। और मेरे साथ ऐसे भी लड़के थे जिन, जब मैं सिलेक्ट हो गया सेकंड टाइम, तो एक लड़के का 5 बार एग्ज़ाम देने के बाद सिलेक्शन हुआ था, लेकिन हुआ। तो मन में एक चीज़ ठान लो कि मैंने ये अगर जो चीज़ करनी है तो वही करनी है, फिर आप ये मत सोचो कि अगर ये नहीं होगा तो मैं वो कर लूँगा, अगर मेरा मेडिकल में नहीं हुआ तो मैं बायो उसमें केमिस्ट्री में एडमिशन ले लूँगा, मैं फिजिक्स में ले लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये वाला कोर्स कर लूँगा। जब आप इधर इतना माइंड आपका फ्लिकरिंग रहेगा ना, कभी ये कर लूँगा वो कर लूँगा, अगर हुआ तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। ये सोचो कि हाँ अगर जो मैंने सोचा मैंने वही करना है बस, मैंने और कुछ करना ही नहीं है। जब कहते हैं ना अर्जुन ने निशाना लगाया था आँख में, सिर्फ वो आँख को ही देख रहा था, अगर आपने महाभारत में पढ़ा हो तो आप भी एक ही जगह फोकस करो। और देखो आप यंग हो, बहुत सारे लोग बच्चे मिलेंगे आपको जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट पढ़ने में होता नहीं, सिर्फ एडमिशन ले लिया माँ बाप ने बोल दिया, तो वो कहीं उल्टे सीधे काम भी करते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स दूसरों को भी डाइवर्ट करते हैं उनका माइंड। तो दोस्तों ये सोच लो कि ये जो टाइम है 12th के बाद का, यही आपकी लाइफ को बनाएगा, तो पूरा फोकस हो जाओ उसके ऊपर और किसी एडिक्शंस का शिकार मत हो। फिर बोलूँगा दूर रहो इनसे, शराब सिगरेट से, अभी आपका टाइम नहीं है इन सब कामों में उलझने का, सिर्फ एक सोच रखो कि मैंने यही करना है। तो चलो दोस्तों, और अपनी स्टोरी बताना आसान नहीं होता, दुनिया के सामने अपने आप को एक्सपोज करना आसान नहीं होता, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज जिस मुकाम पर मैं पहुँचा हूँ, अभी बहुत छोटा मुकाम है, लेकिन मुझे पता है मेरी मंजिल क्या है, मुझे सब कुछ पता है आने वाला टाइम क्या है, मुझे सब कुछ मालूम है।
और एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपना ये जो मैंने नंबर सबको दिया था 8076774507, ये मैंने बंद कर दिया थोड़े टाइम के लिए, व्हाट्सअप बंद कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे और लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। मैंने बोला था मुझे ECG भेज दो सिर्फ, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा ये ठीक है गलत है, लेकिन फिर भी लोग उससे पूछते हैं मेरे चेस्ट पेन हो रहा है क्या कारण है। अरे मैं इतनी दूर बैठा हूँ, मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को यार, तो वहाँ मैं यहाँ कैसे बता दूँ मैं आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आपका ECG नॉर्मल है या नहीं है। मैं एक चैरिटी कर रहा हूँ, करता रहूँगा, लेकिन मैं एक नया नंबर आपको दूंगा सबको आजकल में, और फिर आप उसके ऊपर मुझे मैसेज करना, क्योंकि मैं अपना काम भी नहीं कर पा रहा हूँ इस नंबर को देने के बाद। तो सॉरी, आप लोगों से मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, और आपको जल्दी नया नंबर दूंगा और उसके ऊपर आप मुझे मैसेज करिए जो मर्जी करिए, और मैं भी आपके सवालों का जवाब दूंगा जितना मेरे पास हो सकेगा। और फिर बाद में हो सकता है कोशिश करूँगा एक टीम बनाऊँ, अभी इतना वक्त नहीं है और इतना मेरे पास अभी बूता नहीं है। तो चलो चलता हूँ, और उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए जो डिप्रेस रहते हैं, तो दो चार लाइनें बोल के जाऊँगा, शायद आपको मोटिवेशन। और सुना करो ऐसे गाने यार, ये गाने बहुत मोटिवेट करते हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, राहों में मिलेंगे बाहर के, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं। रुकना नहीं है दोस्तों, जो रुक गया वो गया, सच बता रहा हूँ, लाइफ है ना, चलते चलो आगे बढ़ते चलो। मुश्किल वक्त आएगा और ऊपर वाला कई बार आपका एग्ज़ाम लेता है, मालूम है, कई बार इतना मुश्किल वक्त दे देगा आपको, लगेगा यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है इतना बुरा वक्त, सारी मुसीबत एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन जान तो क्या है, पहले भगवान ने आपको इजी सब्जेक्ट दिए पढ़ने के लिए, हिंदी इंग्लिश, और अचानक से फिजिक्स केमिस्ट्री दे दी आप तो तैयार ही नहीं थे उसको पढ़ने के लिए। लेकिन मेहनत करो, लगे रहो, बुरा वक्त भी बीत जाता है अगर आप हिम्मत ना हारो, क्योंकि जो लोग हिम्मत हार जाते हैं और एडिक्शंस का शिकार हो जाते हैं, कोई शराब का सहारा ले लेता है, कोई ड्रग्स का, तो वो लोग ना तो ठीक से जी पाते हैं, उम्र भी कम हो जाती है, और बचता क्या है, कुछ नहीं। तो इसलिए बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप भी है, और तो आप भी पॉजिटिव रहो, और लाइफ जैसी भी है उसको अपने हिसाब से निखारो, क्योंकि ये लाइफ आप खुद अपनी बिगाड़ सकते हो और खुद बना सकते हो, सब कुछ आपके यहाँ पर होता है दोस्तों, सब कुछ यहाँ पे। बाय दोस्तों, बाय, शुभ रात्रि, शुभ खैर।